हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसकी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मींस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली थी। अब हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कुछ आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी जो हमें 10th क्लास में पढ़नी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड नेक्स्ट वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बनेगा तो इसको रिवर्स करिए तो ये बनेगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यही बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करना है। आगे जब हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं आज। तो अभी मैंने यहाँ पे जो है 6 क्वेश्चंस राइट डाउन कर रखा है, यही क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो आपको फाइंड आउट करना है टेन थीटा क्या होगा और सेक थीटा क्या होगा। तो देखिए, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है, मतलब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है। अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे देखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता चल गई 3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेनस की वैल्यू आपको पता है तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड फाइंड आउट की जा सकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हम बेस का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ से बेस की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है इस क्वेश्चन में, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है दैट इज 5, 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर इज 3, 3 स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 9, तो क्या आएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16, तो बी की वैल्यू आ गई 4। तो आपको बेस भी पता चल गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको पहले से पता है। तो अगर ये तीनों साइड्स आपको किसी ट्रायंगल की गिवन है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और बेस क्या है 4, हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो यहाँ से टेन थीटा आपका फाइंड आउट हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। सिमिलरली अगर हम सेक थीटा की बात करें तो देखिए सेक थीटा जो है कॉस का रिवर्स होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या बनेगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू है 4, तो सेक थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 5/4। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता थी दैट इज साइन थीटा, और हमें निकालना था टेन थीटा और सेक थीटा। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप आइडेंटिटी से भी सोच सकते हो इसको, क्योंकि दोनों एंगल्स देखिए सेम है, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा की वैल्यू चाहे जो मर्जी हो 90 डिग्री के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। लेकिन मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने टेबल प्रिपेयर किया था वहां से वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करूंगा और फिर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये बन गया आपका 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 4/4, कैंसिल करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो मैंने पहले भी बताया कि आइडेंटिटी भी अगर हम यूज करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। वही देखिए यहाँ पे भी 1 वैल्यू आई है। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, tan 60 की वैल्यू अगर हम टेबल से देखें तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस tan 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3। √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा और इसका हम लेंगे LCM, तो LCM क्या आएगा √3, और यहाँ पे अपॉन में क्या है 1, 1 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस √3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 1 डिवाइडेड बाई, ये देखिए यहाँ पे है 1 और प्लस √3 से √3 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे क्या बचा 1, तो ये आएगा 3-1 दैट इज 2 अपॉन √3, और ये 1+1 2 होगा, ये 2 भी इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा हमारा 1/√3। तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, बेसिकली जो एक्सप्रेशन दे रखी है इसमें हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो भी वैल्यूज हैं वो पुट कर दी। tan 60 डिग्री √3, tan 30 डिग्री 1/√3, सिमिलरली tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, और इसको फिर सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है कि अगर एक्स की वैल्यू पी साइन थीटा है, और वाई की वैल्यू क्यू साइन थीटा गिवन है, तो कह रहा है कि थीटा को इन इक्वेशन से एलिमिनेट कर, थीटा को इस इक्वेशन से एलिमिनेट करिए। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक्स की वैल्यू पी साइन थीटा और वाई की वैल्यू क्यू साइन थीटा। इस फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां से आप साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी एक्स वाई पी। फर्स्ट इक्वेशन से साइन थीटा की वैल्यू आएगी एक्स वाई पी। सिमिलरली एक मिनट, ये आपका क्यू कॉस थीटा है, ये है आपका क्यू कॉस थीटा। तो अब सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं कॉस थीटा फाइंड आउट करूं तो कॉस थीटा क्या होगा वाई बाई क्यू। तो लेट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यह है आपकी फर्स्ट इक्वेशन जिसको मैंने स्क्वायर करके लिखा है बोथ साइड, और ये सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करके लिखा है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो लेफ्ट साइड को के साथ ऐड करिए, तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब हमें पता है आइडेंटिटी हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और यही हमारी एक ऐसी एक्सप्रेशन आई है जिसमें कोई थीटा नहीं है, इट मीन्स हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया था कि थीटा को इक्वेशन से एलिमिनेट करिए, तो हमने दोनों इक्वेशन यूज किए हैं और थीटा एलिमिनेट हो गया, इट मीन दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में गिवन है एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और वाई की वैल्यू गिवन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसी एक्सप्रेशन बताओ जिसमें थीटा ना हो, मतलब थीटा को यहां से एलिमिनेट करना है। तो थीटा को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए ए लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर वन और ये है इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो मैंने एक्स की वैल्यू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पुट कर दी और वाई की वैल्यू क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी होती है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके लिए भी आइडेंटिटी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, तो आइडेंटिटी क्या है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही सेम आइडेंटिटी हम देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमने लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू वन। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड ले जाओगे माइनस हो जाएगा और वन एज इट इज, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू वन। अब यही वन अब यहाँ पे पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन। तो अभी आपने देखा कि एक्स इंटू वाई की वैल्यू आ गई वन, तो हमने एक ऐसी एक्सप्रेशन फाइंड आउट की है, क्या एक्सप्रेशन आई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वन, तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें थीटा नहीं है, दिस एक्सप्रेशन इज फ्री फ्रॉम थीटा, मींस थीटा हमने एलिमिनेट कर दिया। और हमारे से यही बोला गया था कि ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरह से यूज करो कि थीटा एलिमिनेट हो जाए, तो एक एक्सप्रेशन आई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वन, थीटा एलिमिनेट हो गया यहाँ से। अब हम फर्दर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो सिक्स क्वेश्चन है कॉस, यहाँ पे क्वेश्चन है sec b इज इक्वल टू अंडर रूट टू। अब देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, cos a प्लस बी इज इक्वल टू वन बाई टू और sec b इज इक्वल टू अंडर रूट टू। cos a प्लस बी इज इक्वल टू वन बाई टू एंड sec b इज इक्वल टू अंडर रूट टू, करें फाइंड करिए a और b क्या होगा, ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए sec b की वैल्यू है रूट टू, sec में रूट टू किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता है कि cos 45 की वैल्यू होती है 1 by root 2, cos 45 की वैल्यू होती है 1 by root 2, तो जब उसको उल्टा करोगे तो रूट टू जो है sec 45 की वैल्यू बन जाएगी, इट मीन्स इस रूट टू को आप लिख सकते हो sec 45 डिग्री। तो ये है आपका sec b, sec b is equal to sec 45, हमने इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख दिया अंडर रूट 2 की वैल्यू sec 45, इट मींस b is equal to 45 डिग्री। अब b की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, अब यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन cos a plus b is equal to given है 1 by 2, cos में 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की, तो आप यहाँ पे पुट करिए cos 60 डिग्री, 1 by 2 cos में किसकी वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की, तो ये cos 60 डिग्री। अब यहाँ से a plus b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री,
तो ए प्लस बी की वैल्यू है 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर वन, और ये देखिए बी जो है आपका 45 डिग्री है, तो ये बी की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, तो बी इज रिप्लेस बाय 45 डिग्री, मीन्स ए प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 60 माइनस 45, दैट इज 15 डिग्री, तो हमारा ए फाइंड आउट हो गया 15 डिग्री और बी है आपका 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने ये 6 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। थैंक यू।